प्रेस वार्ता कर दलितों के लिए मांगी लोकसभा और विधानसभा में सीट। वंचित समाज अनुसूचित जाति कल्याण महासमिति के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय अध्यक्ष रविशंकर हवेलकर ने आयरा प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता की। प्रेस वार्ता में पत्रकारों को रविवार को होने वाले अधिवेशन के बारे में जानकारी दी। प्रेस वार्ता में उन्होंने कई बिंदुओं की जानकारी दी, साथ ही समाज से प्राइवेट प्रथा खत्म कराने की मांग की। प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय अध्यक्ष रविशंकर हवेलकर के साथ ब्रजेश कुमार, जमाल अशरफ, सीएल बढ़ेल, मनोज वाल्मीकि उपस्थित रहे। आरटीआई न्यूज 24 के लिए कैमरामैन अभिषेक वर्मा के साथ शनि वर्मा की रिपोर्ट। कॉन्फ्रेंस रखी गई, किसके द्वारा रखी है, उसका क्या उद्देश्य है? नमस्कार बंधुओं, मेरा नाम रविशंकर हवेलकर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष वंचित समाज अनुसूचित जाति कल्याण महासमिति से हूँ। और कल 11 तारीख को हम लोग शाम को 4 बजे सहनाई गार्डन में कानपुर नगर में आयोजित किया गया है। महर्षि वाल्मीकि जी के हम लोग मानने वाले लोग हैं और राज्य स्तरीय वाल्मीकि स्वाभिमान सम्मान अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से हम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश प्रदेश के अंदर मोदी जी, योगी जी ने हमारे स्वच्छकार समुदाय के लोगों को केंद्र में और राज्य में बहुत कुछ देने का काम किया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब सूरज की रोशनी सब जगह जाती है तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जो उस प्रकाश से वंचित रह जाते हैं। मैं जो कल हमारा वाल्मीकि समाज का राज्य स्तरीय सम्मेलन हो रहा है, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भाई गुलाम मोहम्मद जी हैं, जो डायरेक्टर हैं वक्फ विकास निगम के, उनको मैंने चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया है। कानपुर महानगर उत्तर प्रदेश से हम लोगों ने अपने जिलाध्यक्ष दीपू पांडे जी, सलील बिश्नोई जी, सुरेश अवस्थी जी, सुरेंद्र मैथानी जी, अरुण पाठक जी, ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रतिनिधि हैं महानगर में, उन सबको भी हमने आमंत्रित किया है। विषय हमारा ये है कि कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में जो 17 जिले हैं, जिसमें 10 लोकसभाएँ हैं, 54 विधानसभाएँ हैं और 12 सुरक्षित है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी संख्या का अनुपात है इस कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में, उससे हम वंचित हो गए। हमारा यहाँ पर राज्यसभा का सदस्य नहीं, विधान परिषद में नहीं, विधायक नहीं, दर्जा प्राप्त मंत्री नहीं, मंत्री नहीं, आयोग में, निगम में, बोर्ड में अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं। तो ये हमारे समाज में इस चुनाव में जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर के, आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी की नीतियों को लेकर के और जो बहुत सारी योजनाओं से शासन ने जो आच्छादित किया वंचित तबके को, गरीब निर्बल समाज के लोगों को, जैसे उसमें आपने देखा हो आसरा में कॉलोनी देने का काम किया, प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया, हमने किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया, मुफ्त में शौचालय देने का काम किया, सिलेंडर देने का काम किया, मतलब बहुत सारी योजनाओं से, वित्त विकास निगम के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को करोड़ों रुपए का लोन देने का काम किया, मुद्रा का में हम लोगों ने स्टैंड अप इंडिया में काम किया। लेकिन इस चुनाव में हम जब बस्तियों में गए तो कहीं ना कहीं हम चूक गए, हम अपने लोगों को समझाने में नाकामयाब रहे और विपक्ष ने जो ये रिजर्वेशन ख़त्म करने का, संविधान ख़त्म करने का जो अपना सगुफा छोड़ा, उसमें वो कामयाब हो गए। इसमें आप जानते हैं कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं हम अति उत्साह में चीज़ों को समझ नहीं पाए और हमारा प्रदर्शन सम्मानजनक नहीं रहा। इसी परिप्रेक्ष्य में कल हम लोग उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी और योगी जी को अपनी भावनाओं से अवगत कराने जा रहे हैं, हमारा ज्ञापन पत्र भी इसमें होगा। और इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जिलों से हमारे लोग आ रहे हैं, प्रदेश के बाहर से भी हमारे लोग आ रहे हैं। तो हम आज के दिन हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं अपने लोगों से, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, कि वाल्मीकि समाज के इस स्वाभिमान सम्मान अधिकार सम्मेलन में अपनी जागरूकता का परिचय दें और बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आएँ, जिससे कि हम उनकी जो मूलभूत मांगे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि कानपुर महानगर और प्रदेश सहित हमारे लोग आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे हैं, जिनका वेतन लगभग 9,000 है। मैं किसी भी तरीके से इस तर्क से सहमत नहीं हूँ कि इससे स्वच्छकार समाज का भला होगा, उनके परिवार का उत्थान होगा, उनके बच्चों का भविष्य सुखमय होगा, क्योंकि कोई भी, मैं चैलेंज के साथ कदम, कोई अधिकारी मुझे ये गुड़ा भाग करके बता दे कि 9,000 रुपये में 5 परिवार के सदस्यों का कैसे गुजर बसर होगा, जब शिक्षा का मामला हो या बीमारी का मामला उनके परिवार के सदस्यों का, तो ये संभव नहीं है। तो हमारी ये मांग है कि जो लोग इस पर काम कर रहे हैं उनको कम से कम 25,000 रुपये न्यूनतम वेतन दिया जाए। और एक अभी हमने बड़ा काम किया मध्य प्रदेश में, हमारे प्रताप करोसिया अनुसूचित वाल्मीकि समाज के जो आयोग के अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश शासन में,
तो उन्होंने वहाँ ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया है। उसी ग्राउंड को लेकर के, उसी जियो को लेकर के हम उत्तर प्रदेश में भी मांग करेंगे कि ये ठेकेदारी प्रथा कलंक है, इसको समाप्त किया जाए। पूर्व में मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी हमारे कार्यक्रम में कहा था कि मैं इसको, ये कलंक मानता हूँ, इसको मैं समाप्त करूँगा। दूसरा हमारा ये कि स्वच्छकार समाज के बहुत सारे पद उत्तर प्रदेश में रिक्त हैं, अगर उन्हीं पदों पर आप सीधी भर्ती कर दी जाए तो हमारे समाज का जो जीवन का स्तर है, उसको जीने का, वो अच्छा हो जाएगा, उसका स्तर जो है बढ़ेगा। और भी बहुत सारी मांगे हैं जिसको हम लोग कल इस कार्यक्रम के माध्यम से रखेंगे, अभी तो इतना ही विषय है। और एक विषय भी बीच में आ गया, जो सुप्रीम कोर्ट की 7/6 जो खंडपीठ ने जो निर्णय दिया है आरक्षण में वर्गीकरण का, तो हमारे जितने भी वंचित समाज के लोग हैं, जैसे बसोर, बरार, धरकार, खरवार, मुसाहर, बेन, कोल, आदिवासी, कठेरिया, धानुक और भी हमारी उपजातियां हैं वाल्मीकि समाज से, ये सब लोग इसका समर्थन कर रहे हैं कि इसमें वर्ष 2012 से पिटिशन दाखिल की गई थी पंजाब से, और इसमें केंद्र सरकार की भी अहम भूमिका है। और निश्चित रूप से मैं अपने जो दलित समुदाय की जो सक्षम जातियां हैं, जो कई कई बार लाभ पा चुके हैं, जो IAS हैं, PCS हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उन लोगों को बड़ा दिल करते हुए अपने जो वंचित लोग रह गए हैं, जो उपेक्षित लोग रह गए हैं हाशिए के समाज को, उसकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए रिजर्वेशन कोटे को छोड़ देना चाहिए अपने भाइयों के लिए, बड़ा दिल दिखाते हुए। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।